को आप बैठ जाएं जी। खुर्रम शेर जमान साहब, सर ये हम सबकी शिकायत है लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से कि जवाब नहीं देते सर, आए बाएं शाएं जो है ना वो जवाब नहीं होता, जवाब प्रॉपर देने चाहिए। सब इलेक्टेड हैं यहाँ पे, जितने मेंबर्स बैठे हैं सब वोट लेकर आए हैं और ये सब जवाब दें अपने वोटर्स को। आप कॉल अटेंशन पे जाएं। जी सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे जवाब देंगे। विल द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द लोकल गवर्नमेंट सिंध मे प्लीज टू गिव आंसर स्टेटमेंट दैट व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री आफ्टर द रिसेंट रिपोर्ट बाय पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज रिगार्डिंग अनसेफ वाटर इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्पीकर साहब, ये जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, ये हैं सर सखर, लाड़काना, शिकारपुर, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद और ऑनरेबल स्पीकर साहब कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट। ये वो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं सर जिसके बारे में सर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज बताती है कि ये 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पानी है सर वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अब सर ये रीजंस क्या हैं, ये रीजन जो देती हैं, अच्छा एक साथ साथ बात उन्होंने ये बोले कि ये 2005 से कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ये टेस्ट कर रही हैं, इन्होंने 300 टेस्ट करवाए हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सर ये रिपोर्ट जमा कराई है और उसके अंदर बताया है कि सूबे सिंध के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही है और ज्यादा जो है पानी खराब से बदतर होता जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो इन्होंने रीजंस बताए हैं कि पानी क्यों अनसेफ है वो मैं मिनिस्टर साहब को बताना चाहूंगा, शायद इनको मालूम नहीं है कि वो उसके अंदर सीवेज का पानी सर मिक्स हो रहा है। वो पानी जो हम बाथरूम के अंदर फ्लश करते हैं सर, वो सूबे सिंध के पीने के पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। लैक ऑफ ट्रीटमेंट सर, कि ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है जिसकी वजह से ये पानी जो है अनसेफ है। उसके बाद सर बताया जाता है कि इम्प्रॉपर क्लोरिनेशन, ये भी मिनिस्टर साहब को सर मैं बताना चाहता हूं, शायद इनको मालूम नहीं होगा। उसके बाद सर बताते हैं कि कंटेमिनेशन ड्यू टू डोमेस्टिक एंड वंस अगेन इंडस्ट्रियल सीवेज, ये भी मिनिस्टर साहब को बता देता हूं सर, शायद इनको मालूम नहीं होगा। सर 80% बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, 80% सर, जिसमें से सर बताया जाता है कि 30% जो है फीकल कंटेमिनेशन है, जो कि टॉयलेट्स के अंदर सर मौजूद होता है वो बैक्टीरिया, वो सूबे सिंध के 13 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। उसके बाद सर ये रिपोर्ट बताती है, ऑनरेबल स्पीकर साहब, उसके बाद ये रिपोर्ट बताती है कि इस पानी के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, और उसके अलावा सर ऑनरेबल स्पीकर साहब बहुत सी जगहें ऐसी हैं सूबे सिंध के अंदर जहां पे टीडीएस लेवल जो है वो हाई है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उसके बाद ये रिपोर्ट कहती है कि थर के अंदर जो आरओ प्लांट्स लगे हैं सर, उन आरओ प्लांट्स के अंदर सर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है और हाई टीडीएस लेवल है सर, हाई टीडीएस लेवल इसके अंदर सर, वो भी आरओ प्लांट स्पीकर साहब शामिल है जो आरओ प्लांट आपके को चेयरमैन साहब ने इनॉग्रेट किया था, जो एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट है जिसके ऊपर अरबों रुपए पैसे खर्च किए हैं, और उसके अंदर भी सर बताया जा रहा है कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन एंड हाई टीडीएस लेवल है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इसके साथ जो वाटर रिलेटेड डिजीज बताई है सुप्रीम कोर्ट में सर, वो बताई है कि इस पानी के पीने से सूबे सिंध के लोगों को टाइफाइड, कॉलरा, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, वर्म इंफेक्शन सर, ये वो बीमारियां हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये वो बीमारियां हैं जो ये पानी पीने से सूबे सिंध के लोगों को हो रही हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 1.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं सर, 1.5 लाख केसेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, जिसमें से बताया गया है कि सारे के सारे 1.5 लाख केसेस डायरिया के रिपोर्ट हुए हैं सॉरी 2014 में। सर 20,000 बच्चे सालाना सूबे सिंध के अंदर मरते हैं, जिसमें ये रिपोर्ट बोलती है कि मेजॉरिटी ऑफ द किड्स आर डाइंग ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। सर आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन पिपरी पे गई थी सर, वहां पे वाटर बोर्ड के स्टाफ ने बताया कि 30% खाली पानी फिल्टर हो रहा है सर। सर मुझे ये बताएं
ये सारी रिपोर्ट के बाद, ये सारी बात के बाद क्या मिनिस्टर साहब को अपनी पोजीशन पर रहना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए? हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं ये गंदा पानी पी के। ये छह की छह कॉल अटेंशन इनकी मिनिस्ट्री के खिलाफ है, ये चार्जशीट इनके खिलाफ जो पाकिस्तान रिसोर्स ने दी है। हम यहाँ पे किस लिए खड़े हुए सर? इसलिए खड़े हुए हैं हम तनख्वाह लें और घर जाएं। इनके आगे बीन बजा बजा के थक गए कि हमारे हलके में पानी नहीं है। इनको बोल बोल के थक गए कि आरओ प्लांट जो है उसके अंदर टीडीएस लेवल हाई है। इनको बता बता के थक गए, इनके सामने रिपोर्टें रख रख के थक गए कि खुदा रहा ये पानी साफ नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये खड़े होके सर जो जवाब देते हैं आए बाएं और शाएं, इसलिए आते हैं सर हम यहाँ पे। अब बैठ जाएं या तो ये रिजाइन करें या इस मसले को हल करें या बेहतर लोग बैठे हैं उनको मिनिस्टर बनाएं। बैठ जाएं जी। जी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है कि काल आवर टेंशन नहीं था और एक